भारत के साबिक स्पिन बॉलर हरभजन सिंह ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से मुतालिक ही जहर उगलना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक क्रिकेटर ने भारतीय टीम की टूर्नामेंट में शिरकत और पाकिस्तान जाने की तस्दीक करने से पहले हुकूमत से मंजूरी लेने के भारतीय बोर्ड के फैसले की हिमायत की है। हाल ही में भारतीय मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जब भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने के हवाले से हरभजन सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे कि भारतीय टीम पाकिस्तान क्यों जाए। हरभजन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में हिफाजत के खदशात हैं, वहाँ के हालात ऐसे हैं कि तकरीबन हर रोज हादसात होते रहते हैं और वारदातें होती हैं। इनका कहना था कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जाना भारतीय टीम के लिए महफूज है और बीसीसीआई का मौकफ बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे खिलाड़ियों की हिफाजत से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं है। मैं क्रिकेट बोर्ड के मौकफ की हिमायत करता हूँ। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया और कहा कि भारतीय हुकूमत क्रिकेट टीम के पाकिस्तान जाने से मुतालिक फैसला करेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को आड़े हाथों लिया। शुएब मलिक ने भारतीय टीम पर खेल और सियासत को दूर रखने और पाकिस्तान दौरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत का दौरा किया था, अब वक्त आ गया है कि भारत भी पाकिस्तान का दौरा करे। साबिक क्रिकेटर शुएब मलिक ने जोर देते हुए कहा कि दोनों मुमालिक के दरमियान जो भी तहफुजात हैं वो अपनी जगह, लेकिन खेल के दरमियान सियासत नहीं आनी चाहिए। सियासत को खेलों से दूर रखें और पाकिस्तान का दौरा करें। हम अच्छे लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। शुएब मलिक का कहना था कि पाकिस्तानी टीम गुज़श्ता साल भारत गई थी और अब भारतीय टीम की बारी है। ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छा मौका है। भारत की टीम में बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान कभी नहीं आए और उन्होंने यहाँ कभी नहीं खेला, इसलिए मुझे यकीन है कि ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। भारतीय टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए।